जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। नेवीपुर एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज आपको कराने वाला हूं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि नेवी एमआर डीबी एसएसआर डबल ए एंड एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी बोध गया। जी हाँ, बोध गया में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है। जी हाँ, अमित्रघात। तो आपको बता दें बिंदुसार, हरियंक वंश का शासक बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर शासन पर कब्जा जमाया था। इनके पिता थे बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लाख वर्ष की उपाधि किसे दी गई थी। लाख बक्स की उपाधि किसे दी गई थी। आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाई थी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया, यानी कुतुब मीनार का निर्माण का अंत इल्तुतमिश ने किया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो आपको बता दें 712 एडिशन मीर कासिम के शासनकाल में। जी हाँ, मीर कासिम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। जी हाँ, मार्टिन लूथर। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। तो आपको बता दें इसका भी आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। जी हाँ, बूढ़ी गंगा, गोदावरी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। गोदावरी को भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो रेड क्लिफ, ऑप्शन ए। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, एंड डुरंड रेखा। जी हाँ, डुरंड रेखा। जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो मैगिनोट रेखा, और जर्मनी और पोलैंड की बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। जी हाँ, चिल्का झील, आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ओडिशा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और यहाँ पर हम लोग का INS का सेंटर है, यानी इंडियन नेवी का सेंटर है। ठीक है, और ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, बिहार की जो राजधानी है पटना है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो श्रीनगर था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर फिलहाल में केंद्र शासित राज्य में सम्मिलित हो चुका है। ठीक है, इटाई रोग किसके कारण होता है। जी हाँ, इटाई रोग। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा कैडमियम। जी हाँ, कैडमियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 8,848 मीटर, और ये दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट है। ठीक है, दो नंबर पे आता है K2। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। जी हाँ, सूर्योदय का देश। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए जापान, और जापान की राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में जापान में ओलंपिक हुआ है। ठीक है, जापान में ओलंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 38वीं समांतर रेखा विश्व के किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। जर्मनी और फ्रांस के मध्य बात करें तो मैगिनोट रेखा। जी हाँ, मैगिनोट रेखा। जर्मनी और पोलैंड के मध्य की बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, गुलाबी नगर, ऑप्शन बी जयपुर को, और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बाकी सब संविधान के अस्थायी सदस्य थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जी हाँ, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो आपको बता दें 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जी हाँ, 35 ईयर, यानी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी किस आर्टिकल में है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? जी हाँ, बता दें 2012 से लेकर 2017 तक। अब जो योजना होने वाला है वो 5 वर्ष का नहीं बल्कि 15 वर्ष का होने वाला है। ठीक है, तो यह जो योजना होगा 15 वर्ष का होगा आगे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो आपको बता दें 1935, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, जीडीपी का फुल फॉर्म, तो आपको बता दें ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी हाँ सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, नौसेना का मुख्यालय, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नई दिल्ली। नौसेना हो या फिर वायुसेना हो या फिर थल सेना, तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस खिलाड़ी ने जापान ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लवलीना बोरहैगन की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता, जी हाँ कांस्य पदक जीता। रवि दहिया की बात करें तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, और पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। ठीक है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लवलीना बोरहैगन मुक्केबाजी में, और रवि दहिया रेसलिंग में। ठीक है, और नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, देवधर ट्रॉफी, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर 1896 एडिशन। ठीक है, हाँ, तो हमारे अगर चैनल पर नेवीपुर एकेडमी पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, टाइप डाउट इन द कमेंट बॉक्स, और जो भी कोई परेशानी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।